हेलो दोस्तों, डी के मैथ प्लस में आपका स्वागत है। आज मैं टेंथ का टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, ज्योमेट्री। इसे ट्रायंगल के नाम से आप लोग जानते हैं। ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। त्रिभुज का पहला थ्योरम जो है आपका टेंथ में थेल्स प्रमेय है। तो थेल्स प्रमेय को आज बताने जा रहा है। थेल्स प्रमेय होता है, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु दोनों भुजा को समान अनुपात में बिठाते हैं, इसे क्या कहते हैं? थेल्स प्रमेय कहते हैं। तो चलिए देखते हैं और थेल्स प्रमेय को हम प्रूव करेंगे। अच्छा से देखते रहिएगा, शायद हमें विश्वास है कि आप एक बार देख लीजिएगा तो इसके बाद आपको देखने की जरूरत नहीं। चलिए, थेल्स प्रमेय यानी यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो उसे थेल्स प्रमेय कहते हैं। देखिए, यह ABC एक त्रिभुज है जिसमें भुजा BC के समांतर DE रेखा खींचा गया है। भुजा BC के समांतर DE रेखा खींचा गया है, तो ये जो बिंदु है ये दोनों भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है। जैसे देखिए, AD/BD बराबर AE/CE, ये क्या हो गया है? ये जो है तो थेल्स प्रमेय इसी को कहते हैं। बस इतना ही, ये इतना बड़ा भाषा को हम इतना ही करेंगे। त्रिभुज ABC में BC समांतर DE रेखा खींचा गया है और ये दो जो बिंदु है D और E दोनों भुजा को समान अनुपात में विभाजित कर देती है, यानी AD/DB बराबर AE/EC, इसी को थेल्स प्रमेय कहते हैं। अब हम प्रूव करके देखते हैं ये कैसे आता है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर हम बना रहे हैं कि जैसे ABC त्रिभुज बनाए थे वैसे ABC तो त्रिभुज बनाएंगे। ABC त्रिभुज बन गया, BC के समांतर DE समांतर रेखा खींच दिए। अब जो है सो हम इससे इस पर लंब डाल देते हैं, एक लंब हम डाल दिए M। आप MNABCD कुछ रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस पर से लंब डाल दिए एक हम यहाँ पर M, ठीक है। अब B को E से मिला दीजिए और D को C से मिला दीजिए, ठीक। अब देखिए, सिर्फ दो तरह का त्रिभुज लेना है बन जाएगा। AEB में लेना है, AEB में, उसके बाद ADC में। चलिए देखिए, त्रिभुज AE, अगर बोले कोई परिभाषा को भाषा में लिखने के लिए तो बाय फिगर से सब कुछ आ जाता है। तो चलिए पहले हम त्रिभुज लेते हैं, ये AEB, त्रिभुज AEB में, या इसी को आप लिख सकते हैं त्रिभुज ABE में, दोनों में से कुछ एगो लिख सकते हैं। ऑब्लिक मतलब या होता है। चलिए अब जो है सो हम ऊपर में त्रिभुज देखिए, अब इसमें जो दो त्रिभुज बनता है, त्रिभुज ADE और त्रिभुज BDE, तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल
बट्टे त्रिभुज डी डी ई का क्षेत्रफल। अब हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 × आधार × शीर्षलंब या ऊंचाई, 1/2 × बेस × हाइट, 1/2 × आधार × ऊंचाई। चलिए ऊंचाई यानी कि जो लंब डाले हुए हैं वही होगा, यह दोनों त्रिभुज का ऊंचाई एक ही होगा। तो पहला है ए बी ई, तो त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल 1/2 × आधार × ऊंचाई, इसका आधार हो जाएगा ए डी और ऊंचाई हो जाएगा एम ई। फिर इसमें चलिएगा तो इसका तो आधार ये होगा लेकिन ऊंचाई यही होगा, सिर्फ ऊंचाई दोनों में याद रखना है, बस हो गया। 1/2 × BD × ME। चलिए अब देखिए कटने वाला क्या है, 1/2 से 1/2 खत्म, एम ई से एम ई खत्म हो गया, इसलिए त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल 1/2 × BDE का क्षेत्रफल, बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर ए डी बट्टा बी डी, ए डी बट्टा बी डी, यह समीकरण एक मान लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, हम नेक्स्ट त्रिभुज यहाँ पर बनाते हैं। नेक्स्ट ऊपर में देख लेते हैं, अब जो है त्रिभुज चलेंगे, पहले लिए है ए बी ई, ये त्रिभुज अब लेना है ए बी सी, ए डी सी, ए डी सी या ए सी डी, ए सी डी लीजिए या ए डी सी लीजिए, ऐसा। तो त्रिभुज ए डी सी में या त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में, तो देखिए दो गो त्रिभुज बनता है ए ई डी और सी ई डी। तो त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज सी ई डी का क्षेत्रफल, सी ई डी का क्षेत्रफल, तब क्षेत्रफल बराबर होता है जानते हैं 1/2 × आधार × ऊंचाई, तो हो जाएगा 1/2 × आधार, इसका क्या हो जाएगा ए ई डी त्रिभुज, ए ई डी त्रिभुज का आधार हो जाएगा ए ई, लंब हो जाएगा डी एन, तो ए ई गुने डी एन बट्टा 1/2 × अब देखिए सी ई डी त्रिभुज, सी ई डी जो हम लिखे हैं सी ई डी, इसका क्षेत्रफल तो 1/2 × आधार × ऊंचाई, तो यही रह जाएगा 1/2 × CE × DN। तो डी एन से डी एन खत्म हो जाएगा, 1/2 से 1/2 खत्म हो जाएगा, तब देखिए इस दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या क्या बच गया, ए ई बट्टा ई सी, इतना तक हो गया। अब इसको समीकरण दो मान लीजिए, इतना जब मान लिए हैं, पहला त्रिभुज का अनुपात यहाँ निकाल दिए, दूसरा त्रिभुज का अनुपात वहाँ पर निकाल दिए हैं, अब जो है क्या करना है, एक ही आधार पर का एक टर्म याद रखना है, एक ही आधार पर के बने दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात समान होता है, एक ही आधार पर के बने दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात समान होता है, एक ही आधार लिख देते हैं, एक ही आधार पर के बने दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात समान होता है, समान होता है
एक ही आधार पर के बने दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है? समान होता है। अब बताइए, इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात समान है, इन दोनों जब समान है तो यह दोनों समान होगा, इसलिए त्रिभुज ए बी ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल ए ई डी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज सी ई डी का क्षेत्रफल सी ई डी का क्षेत्रफल डी का क्षेत्रफल। अब देखिए, ये समीकरण एक का क्षेत्रफल वाला समीकरण दो के क्षेत्रफल वाला बराबर है, तो क्षेत्रफल के दोनों को मान क्या क्या दिया हुआ है? ए डी बट्टा बी डी दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है ए ई बट्टा सी ई। यही क्या है, दिस इज द टर्म ऑफ थेल्स थ्योरम। इसी को क्या कहते हैं? थेल्स पर मैं कहते हैं आपका प्रूव हो गया। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इतना ही, तक